वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल सॉन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि ए बॉक्स कंटेन्स 100 टिकट्स, ठीक है। इस तरीके से ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 100, इसका मतलब क्या है कि बॉक्स में 100 टिकट है, हर टिकट पर 1 से 100, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक नंबर हैं। मतलब जैसे इस तरीके से है सैम्पल स्पेस में कि इस तरीके से 100 टिकट है हमारे पास, ठीक है। उस हर टिकट पर 1 से लेकर 100 नंबर तक इस तरीके से, ठीक है, उन पर नंबर है, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब आगे क्या है, इफ 5 टिकट्स आर ड्रोन, ठीक है, मतलब काम तो यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है। 5 टिकट्स और आर ड्रोन, ठीक है, 5 टिकट निकाल ली, ठीक है, लगातार सक्सेसिवली लगातार विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। पहली बात, न्यूमेरिकल को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो सैंपल स्पेस होता है वो लार्जर होता है इस तरीके का कि 100 हो, ठीक है। साथ में उसके लिए बर्नौली ट्रायल की कंडीशन थी, क्या थी कि सभी ट्रायलों के लिए प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, मतलब विद रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि किसी भी ट्रायल का एक दूसरे पर इम्पैक्ट ना हो। जैसे यहाँ पर 5 टिकट्स निकाल ली हैं, ठीक है, 5 टिकट्स निकाल ली हैं कहाँ से, 100 टिकट्स में से, इस तरीके से, ठीक है। तो इन सभी का इम्पैक्ट एक दूसरे पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे पहली टिकट निकाल ली, ठीक है, पहली टिकट निकाल ली उसके लिए कितने नंबर हैं, 100 के 100, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी टिकट निकाली इस विद रिप्लेसमेंट की वजह से उसके पास भी 100 नंबर हैं, ठीक है, 100 पॉसिबिलिटी या फिर 100 वेज हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक दूसरे का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन थी हमारे पास, ठीक है। इस विद रिप्लेसमेंट की वजह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। अब इफ 5 टिकट्स आर ड्रोन, ठीक है, 5 टिकट निकालनी है फ्रॉम दी बॉक्स में से, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें कि ऑल दी टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाय 10, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी 5 टिकट निकाले वो उनका नंबर 10 से डिवाइड हो, ठीक है। अब 10 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे, 1 से लेकर 100 तक, 10 होगा, 20 होगा, ठीक है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, इस तरीके से, ठीक है। मतलब जब ये नंबर आएंगे टिकट पर तभी हमें सक्सेस मिलेगी, बस यहीं से। बस सबसे पहले सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है यहाँ पर, कितनी टिकट है, 100, इस तरीके से, ठीक है। पी क्या होता है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पी होती है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। सक्सेस तभी मिलेगी जब नंबर 10 से डिवाइड हो। कितने नंबर हैं 10 से लेकर 100 तक, 10 है यहाँ पर, 10, 20, 30, इस तरीके से कितने हैं, 10 है, ठीक है। ये तो है फेवरेबल केस। नीचे सैंपल स्पेस कितना है, 100, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी है, सक्सेस की, 1/10, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि क्या यहाँ पर एन 100 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों, एन क्या होता है, टोटल ट्रायल होती है, ठीक है, टोटल ट्रायल होती है। 100 टिकट है हमारे पास बैग में, ठीक है, लेकिन उनमें से 5 निकाल ली, ठीक है। इफ का मतलब गिवन, या फिर ये इवेंट हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 100 नहीं होगा, एन 5 होगा, ये समझ में आना चाहिए कि ट्रायल होती है एन, ठीक है। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो क्यू, क्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, किसके बराबर होती है, 1 - p, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, पी प्लस क्यू किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। अब क्यू किसके बराबर होगा, 1 में से सक्सेस की माइनस कर दे, मतलब 10/100 या फिर 1/10 किसके बराबर है, 9/10, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, दैट ऑल दी टिकट्स, इसका मतलब क्या है, ऑल दी टिकट्स का मतलब क्या है, ऑल मतलब जितने टिकट निकाल ली, कितनी निकाली थी, 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, किसकी निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू 5, इस ऑल की वजह से। यहाँ पर कंडीशन और कुछ भी हो सकती थी कि एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 3, इस तरीके से कुछ भी हो, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 5 क्यों है ये पता होना चाहिए, या फिर कहें आर इज इक्वल टू 5, ठीक है, इस तरीके से एक ही बात है। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या था फॉर्मूला, एन सी आर, ठीक है, पी की पावर आर
ठीक है, सक्सेस की पावर आर मतलब, और साथ में क्यू की पावर एन माइनस आर, इस तरीके से ठीक है। बस फॉर्मूला अप्लाई करना, एन सी आर, एन सी आर मतलब एन कितना 5, सी आर, आर कितना 5, मल्टीप्लाई में पी, पी कितना है 1/10, सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी आगे, तो आर, आर कितना है यहाँ पर 5 ठीक है, क्यू, क्यू कितना है 9/10, इस तरीके से ठीक है। और इसकी पावर एन माइनस आर, एन माइनस आर, एन है 5, आर भी है 5, तो 5 माइनस 5 0 ठीक है। और किसी की पावर 0, किसी की भी पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के, इस तरीके से ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है। और 5c5, एन सी एन किसके बराबर होता है 1 के ठीक है, क्यों होता है 1 के, क्योंकि एन सी आर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल, नीचे आर फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस उसका फैक्टोरियल, इस तरीके से 5c5 1 के बराबर ठीक है। ये 9/10 की पावर 0, तो ये भी 1 के बराबर है, अब यहाँ पर 1/10 की पावर है 5, इस तरीके से ठीक है, तो यही आंसर है 1/10 की पावर 5 ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ऑल दी टिकट्स, इसलिए आर या फिर एक्स 5 लेके चले हैं ठीक है। अब यहाँ पर एक तो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये न्यूमेरिकल किया हमने ठीक है, या फिर ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट भी हो सकता है, किस तरीके से कि हमारे पास 100 टिकट हैं ठीक है, उनमें से कितनी निकाली 5 टिकट्स आर ड्रोन ठीक है, 5 टिकट्स आर ड्रोन, और सक्सेस क्या है, सक्सेस क्या है कि उन सभी टिकटों पर ठीक है 10 का मल्टीपल होना चाहिए ठीक है, 10 का मल्टीपल मतलब 10 का मल्टीपल 10, 20, इस तरीके से 100, इस तरीके से ठीक है, ये सक्सेस ठीक है। इस न्यूमेरिकल को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, किस तरीके से, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हमें किसकी, कि ऑल टिकट्स ठीक है, ऑल टिकट्स गेट मल्टीपल ऑफ 10, इसकी निकालनी हमें प्रोबेबिलिटी ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 5 टिकट्स निकालनी है ठीक है, ऑल का मतलब 5 टिकट्स निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केस ठीक है, और नीचे सैंपल स्पेस, इस तरीके से ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल केस किसके बराबर होंगे, अब यहाँ पर समझने की चीज़ है, केस था विद रिप्लेसमेंट का ठीक है, विद रिप्लेसमेंट का, इस तरीके से ठीक है, और साथ में निकाल लिए हैं। अब 5 टिकट निकालनी हमें ठीक है, 5 टिकट निकालने जिस पर ये नंबर होने चाहिए, इसका ये मतलब है 10, 20, 30, इस तरीके से, मतलब एक तरीके से 10 नंबर हैं, ये 10 अलग है, ये 10 अलग है ठीक है, ये तो 10 है मल्टीपल के लिए, और ये इन सभी का सम है, इन सभी का सम है 10 से लेकर 100 तक, 10 है ये ठीक है, टोटल नंबर 10 है ठीक है। अब 10 हमारी मतलब सक्सेस है ठीक है, मतलब इन इन 10 टिकटों में से, इसका ये भी तो मतलब हुआ कि ये 10 टिकट हैं, 10 उस पर, एक टिकट पर 10 नंबर, उस पर 20 या 100 तक, इस तरीके से 10 टिकट हैं, 10 में से 5 निकालनी है ठीक है, 10 में से 5 निकालनी है लेकिन विद रिप्लेसमेंट के साथ। इस विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, 1/1 ठीक है, 1/1, इसका ये भी तो मतलब है कि एक एक के बाद एक निकालनी है, एक निकाल ली उसके बाद ही तो उसको रिप्लेस करेंगे हम ठीक है, मतलब सबसे पहली, पहली जब पहली टिकट निकलेगी, पहली टिकट के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है, 10 है, मतलब 10, 20, 30, उन टिकट, पहली टिकट पर ये कोई भी नंबर हो सकता है ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, इस तरीके से ठीक है। मतलब क्या है, 10 नंबर में से, मतलब इस में से 10 नंबर में से एक टिकट निकालने, इसका ये मतलब है पहली टिकट का ठीक है, 10 नंबर है, ये 10 नंबर कौन कौन से हैं, 10, 20, 30, 40 अप टू 100 तक, इस तरीके से ठीक है, 10c1 का ये मतलब है पहली टिकट इस तरीके से निकलेगी कि उसके फेवरेबल केस हैं 10 ठीक है, और उसमें से एक निकालना है, मतलब एक टिकट निकालने जिस पर कोई भी नंबर हो सकता है, इसका ये मतलब है ठीक है, विद रिप्लेसमेंट की वजह से, या फिर कहें 1/1। मल्टीप्लाई का साइन होगा, क्यों होगा, जब तक काम कंप्लीट ना हो ठीक है, वही चीज़ है। अब दूसरी टिकट के लिए विद रिप्लेसमेंट का केस है, तो जैसे एक टिकट पर, जैसे पहली टिकट पर नंबर आ गया 20, पॉसिबल है 20 आ गया, अगली टिकट के लिए फिर से वो 20 नंबर वाली टिकट डाल लेंगे हम बैग में ठीक है, विद रिप्लेसमेंट की वजह से, तो दूसरी के लिए भी 10c1 ठीक है, तीसरी के लिए भी 10c1
इस तरीके से फोर्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए भी, इस तरीके से ठीक है। अब नीचे, नीचे क्या होता है सैंपल स्पेस, ठीक है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में 100 टिकट है हमारे पास, ठीक है 100 टिकट है, उनमें से 5 निकालनी है, लेकिन विद रिप्लेसमेंट का मतलब 1 बाई 1। यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हम कि 100 में से 5 निकालनी है, ठीक है यहाँ पर वर्ड जरूर यूज हुआ है सक्सेसिवली, ठीक है मतलब लगातार, लेकिन विद रिप्लेसमेंट का केस है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब, इसका मतलब है 100 टिकट में से 5 डायरेक्ट निकाल ली, मतलब एक बार में ही 5 निकाल ली, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या आएगा यहाँ पर, इसी तरीके जैसे इस तरीके से एक एक निकाल लिया है, तो सबसे पहले 100 टिकट हमारे पास पहले बैग में, ठीक है उसका सैंपल स्पेस, जैसे बैग में 100 टिकट है उसमें से एक निकाल ली, ठीक है एक निकाल ली, इसी तरीके से निकलेगी। अब दूसरे के लिए, दूसरे के इस टिकट के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट की वजह से उसमें दोबारा से 100 टिकट हो चुकी हैं, 100C1 इस तरीके से, ये भी 5 बार 100C1, ठीक है इस तरीके से। अब इसको सोल्व करें किसके बराबर होगा, 10C1 किसके बराबर होता है 10 के, ठीक है तो मतलब 10 10 10 कितनी बार है, 5 बार, मतलब 10 की पावर 5 इस तरीके से। नीचे 100C1 100 के बराबर, तो 100 की पावर 5 इस तरीके से, या फिर कहें 10/100 दोनों की पावर 5 एक ही बात है, या फिर कहें 1/10 की पावर 5, और वहां से भी तो आंसर यही आया था 1/10 की पावर 5 इस तरीके से भी। अगर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज ना करना हो, डायरेक्ट ही निकालना हो, इस तरीके भी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने की चीज है कि जब कम से कम मतलब 5 टिकट्स आर ड्रॉन, मतलब जब बहुत ही कम कुछ निकाल लो, जैसे यहाँ पर टिकट निकाल लिए, ठीक है अगर यहीं पर 15 टिकट निकाल ली होती तो फिर इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 10C1 10C1 है अप टू 50 तक जाती है, यही चीज सेम चीज, जैसे यहाँ पर फैक्टर आया फाइव, ठीक है 5 टिकट्स, 50 के लिए फैक्टर आता 50, ठीक है लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो फिर नहीं होगी ये चीज, ठीक है ये बात समझने के, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है तब तक के लिए थैंक यू।